आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ऐसे तो ये सबके लिए है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका आउटलाइन क्या होता है ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस आउटलाइन में जो भी पढ़ेंगे वो फिट होगा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, जो इम्पॉर्टेंट है, वाइटल क्वेश्चंस है, वह होता है एरियाज ऑफ क्वेश्चंस। तो एक तो स्पेलिंग एरर्स से दे देगा, जैसे स्पेलिंग एरर्स वही देगा जिसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये सब डिसाइड होता है, जो भी क्वेश्चंस होता है ये लेवल वाइज डिसाइड होता है कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किस कंपटीशन के लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं। तो जैसे कि कमिटी का स्पेलिंग है, तो उसमें क्या होता है ना, ट्रिक की डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। वहाँ पे ऑप्शन तो दिया रहता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि कर्नल की देख लीजिए, तो कर्नल का मिलाने लगते हैं के से क, ये ऐसा होगा ना कि के ई आर एन ई एल, जबकि ऐसा नहीं होता, सी ओ L O N E L होता है। तो इस प्रकार से स्पेलिंग एरर्स क्रिएट किए जाते हैं, राइट? आगे चलते हैं वर्ड पावर में। फिर है सेंटेंस के कंपोनेंट्स से पूछे जाते हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस जिनसे मिलके बना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी से भी पूछा जाता है, पैसेज दिया होता है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप क्या पैसेज को कॉम्प्रिहेंड यानी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या नहीं रखते हैं, किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, समझ जाते हैं या नहीं जाते हैं उसको पढ़ के, इसका चेक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। वही राइटिंग कंपोजिशन में ये होता है कि हम किसी टॉपिक के ऊपर कैसे लिखें, ये चेक किया जाता है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये भी चेक किया जाता है। और जब सेकंड राउंड होता है, जब रिटर्न आपका निकल जाता है, तो इंटरव्यू होता है, फिर उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं वर्ड पावर का। तो वर्ड पावर में फर्स्ट है सिनोनिम्स। तो अभी मैंने एक चीज़ कहा कि इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वाइटल। तो वाइटल का मतलब ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट का मतलब ही इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण। तो सिनोनिम्स ये बताता है कि लगभग सिमिलर मीनिंग है, राइट? लगभग सिमिलर मीनिंग है। जैसे अगर वाटर की बात करूं, तो वाटर का हाइड्रो भी हो जाता है, वाटर का एक्वा भी हो जाता है। तो ये वाटर के सिनोनिम्स है, सबका मतलब एक वाटर यानी पानी से संबंधित ही है। वही एंटोनिम्स की बात करें, तो वह उल्टा यानी अपोजिट वर्ड्स की हम कहते हैं। अपोजिट वर्ड्स क्या होता है, जैसे सिंपल कहें तो फादर का मदर अपोजिट हो जाएगा, आपके स्काई का अर्थ और अर्थ का स्काई, तो ये तो सिंपल हो गया, राइट? लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पूछता है, क्योंकि लेबल के अनुसार से होता है। होमोफोन्स की बात करें, होमो मतलब सेम होता है, फोन मतलब होता है साउंड, जिसका सेम साउंड हो। जैसे अगर सेम साउंड की बात करें, सी ए एन कैन, ठीक है? तो कैन क्या है, एक तो कैन ओ हो जाएगा वर्ब का, और एक कैन हो जाएगा कंटेनर, जैसे पेप्सी का कैन, राइट? दूध का कैन, मिल्क कैन जो होता है, वही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक दे देगा पूरा सेंटेंस की तरह, जैसे वन हुज पेरेंट्स आर डेड, राइट? जिसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो वन वर्ड में लिखना होगा ऑर्फन यानी अनाथ। दूसरा अगला है फ्रेजेस। फ्रेजेस के अंदर idioms आ जाएगा, phrasal verbs आ जाएगा। तो phrases यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा detailed में नहीं जाऊँगा। phrases ये समझ लीजिए कि कई वर्ड्स को मिला करके फ्रेज बनता है, और वे सारे वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, राइट? और ये कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देता सेंटेंस की तरह, बट थोड़ा मीनिंग देता है। जैसे माय फादर, तो फादर के लिए माय जुड़ा हुआ है फादर के साथ में, माय अकेले नहीं आ सकता, माय फादर के लिए, इसलिए दोनों के दोनों फ्रेज हो गए, बना रहे हैं फ्रेज, राइट? जैसे इन माय रूम, तो रूम के लिए ही माय आया है और रूम के लिए ही इन आया है। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और ये आपके फ्रेज हो गए।
जैसे ए बॉय, तो बॉय के लिए है तो ए आया है, तो यहाँ पे ए बॉय यहाँ पे, या अ बॉय कहें आप, तो ये क्या है, ये आपका फ्रेज हो गया, राइट right? और इसी के अंदर आता है idioms. Idioms एक ऐसा मतलब, एक अलग प्रकार का जो फ्रेज है जिसका मीनिंग वर्ड बाय वर्ड नहीं निकाल सकते, कंप्लीटली डिफरेंट होता है. जैसे अ बेड ऑफ रोजेस, तो कहने का मतलब अगर वर्ड बाय वर्ड निकालें तो होगा रोजेस मतलब गुलाब, बेड मतलब बिस्तर, तो गुलाब का बिस्तर, गुलाब के फूलों का बिस्तर, तो ये नहीं होता. इसका मीनिंग होगा कंफर्टेबल प्लेस, आरामदायक जगह. तो कंप्लीटली मीनिंग चेंज होता है idioms में. वही फ्रेजल वर्ब की बात करें तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या एडवर्ब होता है. जैसे कि आप बात करें, हम बात करें ब्रेक अप, तो ब्रेक के साथ अप लग गया तो इसका मतलब दोस्ती समाप्त, ब्रेकअप हो गया. ब्रेक के साथ आप डाउन लगा दीजिए, इसका मतलब कि बेसंभाल हो जाना या किसी चीज़ का खराब हो जाना, जैसे गाड़ी खराब हो जाना ब्रेक डाउन हो चुका है. या आप कहें कि कोई कुछ सूचना पा करके, किसी के मरने की या दुखद सूचना पा करके वो ब्रेक डाउन हो गया, बेसंभाल हो गया, राइट. ब्रेक आउट हो गया मतलब किसी चीज़ का छिड़ जाना, महामारी फैल जाना, राइट, युद्ध छिड़ जाना, इसके लिए भी ब्रेक आउट होता है. तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है जिसको हमें समझना होगा. आगे चलते हैं सेंटेंस. तो सेंटेंस में क्या होता है, कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं, जो मिस्टेक्स होता है वही, मतलब कुछ मिस्टेक्स दे देगा और वहाँ पे ये पूछेगा कि बताइए कि मिस्टेक्स कहाँ है. तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो सकता है. जैसे कि आप नाउन की बात करें तो नाउन में ज़्यादा मिस्टेक नंबर, जेंडर और केस में, आपके केस से एरर्स पूछे जाते हैं, राइट. उसी प्रकार वर्ब का है, अग्रीमेंट से पूछे जाते हैं. तो ये एक एक चीज़ क्लियर होगा जब मैं अलग अलग वीडियो इसका बनाऊंगा. तो फिलहाल ये समझिए कि कॉमन एरर्स पूरे कहीं से भी पूछ सकता है, किसी ग्रामर के किसी भी मतलब पार्ट से पूछ सकता है. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी पूछ सकता है कॉमन एरर्स, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पूछ सकता है. अब हम आगे चलते हैं कि हमें ग्रामर की थोड़ी बहुत जनरल कॉम्प्रिहेंशन तो होनी चाहिए, समझ किसी लैंग्वेज की, राइट. जैसे कि एक बार पूछा था कि अच्छा ये बताइए कि कितने साउंड होते हैं ओरल साउंड, साउंड सिंबल्स कितने होते हैं आईपीए में, तो 44 साउंड सिंबल्स होते हैं. वाउल्स कितने होते हैं, तो 20 होता है. कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है उसमें आईपीए में, 24 होता है. तो इस प्रकार के जो जनरल नॉलेज होता है, जनरल कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो ग्रामर के बारे में या लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन फिर यही कहूँगा कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस लेवल की तैयारी करते हैं और सिलेबस में क्या दिया हुआ है, राइट. आगे जब हम चलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो किसी भी पैसेज को रीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये मेथड है स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव. क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन होता है अलग तरीके के क्वेश्चन को समझना, गेस कैसे करेंगे वर्ड को, तो ये सब कुछ होता है. अगर मैं बात करूं, क्या आप अखबार और अपने जो कोर्स का बुक होता है क्या एक तरीके से पढ़ते हैं? अगर आपको नाम खोजना होगा या मोबाइल नंबर खोजना होगा मोबाइल डायरेक्टरी में, नाम खोजना होगा रजिस्टर में, अगर अपना देखना होगा, रिजल्ट देखना होगा, तो क्या एक ही तरीके का रीडिंग का यूज़ करते हैं? नहीं, आप अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं. आखिर क्या होता है कि फ़ोन नंबर खोजना तुरंत आप खोज लेते हैं, ठीक है, अगर वही आपके कोर्स का कुछ हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा क्या होता है उसमें? अखबार में हम बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं अगर चाहें तो, ऐसा क्या होता है, कैसे पढ़ने का स्टाइल होता है? तो ये सब कुछ इसमें समझा जाता है ताकि हम सही से समझ जाए और फिर क्वेश्चन को समझना होता है, राइट. और समझने के लिए वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड तो हमें याद नहीं होते, हमें समझ में नहीं आता, तो हम गेस करना भी हमें आना चाहिए. और गेस तभी कर सकते हैं जब हमें वर्ड के रूट, वर्ड फॉर्मेशन की पता हो कि वर्ड बनता कैसे है थोड़ा बहुत. अब हम आगे चलते हैं राइटिंग कंपोजिशन की.
तो राइटिंग कंपोजिशन जब आप किसी टॉपिक पे लिखने बैठेंगे तो बहुत सारे थॉट्स होंगे और आपको पता होना चाहिए कौन से थॉट्स को पहले लिखें, कौन से को बाद में लिखें। ये कोहेरेंस एक टर्म्स मैंने दिया हुआ है, कोहेरेंस आता है, इस पे ज़्यादा आपको दिक्कत मतलब महसूस नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंस कहने का मतलब होता है कि जो भी हम लिखते हैं एक लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए सही तरीके का, राइट। तो होता है कोहेरेंस का। कोहेसिव डिवाइसेस मतलब कंजंक्शन या जो कनेक्टर्स होता है जोड़ने का, एंड और बट, ये सब आपका होना चाहिए तभी तो हम जोड़ पाएंगे ना बहुत सारे सेंटेंसेस को। सेंट्रल थीम या टॉपिक, राइट, ये हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, पैराग्राफ कैसे लिखें और कंपोजिशन के पार्ट्स कौन कौन है, हमें क्या लिखना है आखिर, राइट। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। आप लोग को आइडिया लग चुका, मैंने काफ़ी डिटेल में ये नहीं बनाने की कोशिश की है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना होता है इस चीज़ में। हमें कंप्लीट अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि केवल आपका राइटिंग केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कंपटीशन में आप राइटिंग वाला पार्ट कल फेस करें, इंटरव्यू वाला भी पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो मैं ये बताया हूँ अगर ये करते हैं तो आपका इंटरव्यू वाला भी पार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।